तो ये काफी बड़ा नेस्ट बॉक्स है। तो यहाँ पर चिड़िया जो है वो आती हैं। अभी मैं वहां पर दिखाऊं तो वहां पर एक ब्लैक चिड़िया बैठी हुई है, वो उस मटके के ऊपर बैठी हुई थी। आज की वीडियो में हम ये लगाएंगे परिंदों। ये बॉक्स हमारा सही जगह पर आ गया है। ये सारे टूल बॉक्स मेरे ख्याल से तो हर घर में होते होंगे। अभी मैं इसको पेच वगैरह लगाता हूँ और ऊपर सपोर्ट देता हूँ। अब जैसे यहाँ पर ये कील वगैरह पड़े हुए हैं, इसको मैंने बिल्कुल अपनी तरह से पूरा मजबूती से करके बांध दिया। और अब हम अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली हैदर एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ शहरी टेल्स। आज की वीडियो में हमने बड़ा स्पेशल काम करना है। ये आपको पीछे नेस्ट बॉक्स पड़ा हुआ नजर आ रहा है, आज की वीडियो में हम ये लगाएंगे परिंदों के लिए। ये मेरे पास काफी देर से पड़ा हुआ है, अगर मैं आपको पास से दिखाता हूँ तो ये काफी बड़ा नेस्ट बॉक्स है। ये असल में मैं लेके आया था आई थिंक एक पैरट्स के लिए, लेकिन वो किसी वजह से मैंने उड़ा दिए थे, ये उनके काम नहीं आया। तो ये काफी देर से पड़ा हुआ है, खराब हो रहा है, लकड़ी इसके अंदर से ना खराब हो रही है। तो मैंने सोचा है कि ये बजाय इसके कि ये पड़ा पड़े खराब हो जाए तो इसको किसी जगह पर लगा देते हैं, होपफुली ये चिड़ियों वगैरह के काम आता है। इससे पहले भी मैंने पीछे आपको मटकियां नजर आ रही होंगी वो मैंने लगाई हैं, वहां पर चिड़ियां आकर बैठती हैं, घोंसला उन्होंने बनाया हुआ है। तो मैंने सोचा है कि इसी तरह से इसको भी किसी काम में लेकर आते हैं। वैसे भी इसकी लकड़ी जो है वो खराब हो रही है पड़े हुए की, इसको कहीं पर लगा देते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये लगाएंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप इस तरह की आने वाली वीडियोस को मिस ना कर दें। और अब हम अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो ये वाला नेस्ट बॉक्स है, अगर मैं इसको चारों तरफ से दिखाऊं तो ये काफी वजनी है और काफी बड़ा बना हुआ है। तो इसके लिए मैंने जो जगह सोची है ना लगाने के लिए, वो मैंने सोची है गार्डर के उस तरफ, गार्डर के कॉर्नर में। वहां पर ये पानी से भी सेफ रहेगा और धूप वगैरह से भी सेफ रहेगा और परिंदों की नज़र में भी रहेगा, क्योंकि क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है तो थोड़ा सा नीचे से निकला हुआ होगा बाहर और परिंदों की नज़र में भी रहेगा। तो इसको लगाते हैं, काफ़ी हैवी है। इसके लिए ना कोई अच्छी सी वो लेकर आनी पड़ेगी, एल पतरी नहीं होती वो लेकर आनी पड़ेगी। वो देखते हैं अपने सामान में पड़ी हुई है नहीं, बाकी सारा सामान लेके आते हैं। ऊपर काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है तो उनमें से मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि क्या कुछ पड़ा है, क्या लेकर आना पड़ेगा और क्या हमें जुगाड़ करना पड़ेगा। यहाँ पर ये तो होगी ड्रिल, और इसके अंदर और सामान नहीं होना, बाकी सामान यहाँ से देखते हैं। ये सारे टूल बॉक्स मेरे ख्याल से तो हर घर में होते होंगे। यहाँ से थोड़ी और पेचकस और ये प्लास वगैरह ले लेते हैं, और अभी फिलहाल यही काम रहेगा। और यहाँ से ये रस्सी लेते हैं। मेरे जहन में थोड़ा सा आइडिया है कि मैंने किस तरह से लगाना है, तो इसको बंद करते हैं, नीचे चलते हैं अपने इस सामान को लेके। इसके अंदर ड्रिल है, ड्रिल जिसके साथ हमने सुराख करके ये लगानी है ना, वो तो वो ड्रिल है इसके अंदर। आइडिया ये है कि ऊपर मैं दो हुक्के लगाऊंगा इस तरह की, एक हुक यहाँ से खोलनी पड़ेगी, यहाँ पर बेकार लगी हुई है, यहाँ से खोल लेते हैं। तो नीचे भी इसको सपोर्ट देनी है और ऊपर से इसको इसके साथ सपोर्ट देते हैं। थोड़ा सा सामान यहाँ पर भी, अगर मैं ये वाले बॉक्सेस आपको दिखाता हूँ। अब जैसे यहाँ पर ये कील वगैरह पड़े हुए हैं, पेचकस हैं, और ये वाली जो दो पत्रियाँ हैं ना, ये वाली मैंने लगा देनी है नीचे वाली साइड पर, इनको दीवार के साथ लगाऊंगा। थोड़ा सा जो उसका वज़न है बॉक्स का वो इनके ऊपर आ जाएगा, और वो जो मैंने आपको हुक दिखाई है थोड़ा सा वज़न मैं ऊपर से उसके साथ उसको बांध दूंगा रस्सी के साथ, तो ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। ये गट्टियाँ और इस बॉक्स के अंदर हैं बर्मे वगैरह ड्रिल के सुराख करने वाले, इन पत्रियों को लगाते हैं। ठीक है, वहाँ पर बॉक्स का आइडिया लेकर कि कहाँ पर बॉक्स आना है, वहाँ पर इन पत्रियों को लगाते हैं और बाकी साथ साथ काम करते हैं।
ये बॉक्स हमारा सही जगह पर आ गया है। अब यहाँ पर इसे नीचे से दो पेच लगा देने हैं और ऊपर से हमने इसे एक सपोर्ट दे देनी है, ठीक है। अभी मैं इसको पेच वगैरह लगाता हूँ और ऊपर से सपोर्ट देता हूँ। कैमरा एंगल ही मेरा सेट हो पा रहा है तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी इसको फिट करते हैं सारा और फिर मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल रिजल्ट्स। तो इसको हमने लगा लिया, कुछ इस तरीके से लगाना था। अब जैसे कि यहाँ पर नीचे आप सपोर्ट देखें तो इन पत्रियों के ऊपर है, इन पत्रियों के ऊपर अगर आपको ठीक से नज़र आता है तो ऊपर से जो सपोर्ट है वो वहाँ पर लग गई है। बेसिकली जो वजन सारा है वो इनके ऊपर है, ठीक है। इस रस्सी ने बिल्कुल मतलब इसे आसरा किया है, थोड़ी सी सपोर्ट दी है। तो इस तरीके से लगाना था तो हमने जैसा सोचा था वैसा लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेता हूँ, जो इसकी फिनिशिंग वगैरह है, जो इसकी मजबूती है ना, वो उसका मैं कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक देता हूँ इसकी। इसको मैंने पूरा मजबूती से लगा दिया, मुझे बिल्कुल यकीन है कहीं भी ये हिलता नहीं है, बिल्कुल भी मूव नहीं होता। अगर मैं आपको पास से दिखाता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से लगा है, ये इसकी फाइनल लुक है। इसको मैंने नीचे से भी कील लगा दी है, अगर आपको यहाँ से नज़र आता है तो मैंने इस जगह पर भी कील लगा दी है ताकि बिल्कुल भी मूव नहीं हो। तो अगर आप इसको उठा कर देखें तो बिल्कुल भी मूव नहीं होता, बिल्कुल पक्का काम किया है, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा हमने काम कर लिया है। ये है हमारे बॉक्स की फाइनल लुक। मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ तो ये है इसकी फाइनल लुक। दूर से भी नज़र आता है, मतलब परिंदों वगैरह को भी नज़र आता है। उसके आगे मैंने मैं वो स्टिक लगा दी थी ताकि परिंदे उसके ऊपर बैठ सकें। वैसे भी मेरे पास ये ख़राब ही पड़ा हुआ था, पड़ा पड़ा ख़राब हो रहा था तो मैंने सोचा कि इसको मैं लगा देता हूँ, शायद होपफुली परिंदे यहाँ पर अपना नेस्ट वगैरह बनाते हैं या नहीं। उससे पहले मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर मैंने ये मटकियाँ वगैरह लगाई हुई हैं, तो यहाँ पर चिड़ियाँ जो है वो आती हैं। अभी मैं वहाँ पर दिखाऊँ तो वहाँ पर एक ब्लैक चिड़िया बैठी हुई है, वो उस मटके के ऊपर बैठी हुई थी। तो अभी कैमरे की आवाज़ से ना वो उड़ के चली गई है उसके ऊपर। तो परिंदे यहाँ पर आते हैं, ये नहीं है कि परिंदे नहीं आते, परिंदे आते हैं क्योंकि मैं ऊपर दाना पानी वगैरह भी डाल के रखता हूँ, तो परिंदे यहाँ पर आते हैं। गर्मियाँ आ गई हैं, आपको पता है कितनी शदीद गर्मी होती है, कितनी तेज़ धूप होती है, जो हमसे भी बर्दाश्त नहीं होती, तो परिंदे कैसे बर्दाश्त करते होंगे। आप भी अपने घरों के छतों के ऊपर पानी वगैरह का इंतज़ाम करके रखें, दाने वगैरह का इंतज़ाम करके रखें अपनी घरों की छतों पर, ऑफिस की छतों पर, या जहाँ भी पॉसिबल हो किसी भी शेड वाली जगह पर पानी रखें ताकि परिंदे वहाँ से साफ़ और ठंडा पानी पी सकें। और इसी के साथ ही हम अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और वीडियो पसंद आई तो आपने वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना है और चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। और हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।